हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो और अपनी जॉब का प्रिपरेशन जो आपका चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा हो। जॉब के प्रिपरेशन के साथ साथ हमें फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कि किस प्लेस से कौन सी वैकेंसी निकल के आ रही है, कौन सी वैकेंसी के लिए हम कैपेबल है, किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सर, उसी तरह से हमने आज तक जितने भी फॉर्म फिल किए हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट देखे हैं, हमने सारे एप्लीकेशन में अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से आज जो है हमारा भिल का है आया है रिक्रूटमेंट, जो कि है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये हरिद्वार सेल साइट का पोस्ट है और इसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी जो है 281 पोस्ट अवेलेबल है। और आपका जो पे स्केल रहेगा वो आपके सर्कुलर पे लिखा रहेगा, आप इंस्ट्रक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। और जो पोस्ट नेम है वो ट्रेड पर है, ठीक है। सो अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट जो है मिनिमम आपको 18 इयर्स है, मैक्सिमम जनरल के लिए 27 इयर्स है, ओबीसी के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स है और एससी एसटी का मैक्सिमम एज जो है वो 32 इयर्स है। एज रिलैक्सेशन में अगर आप जा रहे हो तो वो आपको एज पर द रूल रहेगा। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है वो आईआईटी और 10th लेवल पर ही पूछा जा रहा है, आईटीआई, सॉरी नॉट आईआईटी, इट्स आईटीआई एंड हाई स्कूल लेवल पर पूछा जा रहा है। तो आप इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हो। फीस की बात करें तो इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, आप सिर्फ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आप उस एरिया से हो या फिर इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, इस जॉब के लिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलते हैं फ्रेंड, सबसे पहले की स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो भी ब्राउजर है, एज ऑलवेज हम उस ब्राउजर में जाकर इसका ऑफिशियल साइट जो है, इसका ऑफिशियल साइट जो है bhil.com, उस पे जाते हैं और वहां से फॉर्म फिल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा सबसे पहला वीडियो जो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर यूज कर लिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर जो है आपको जो हरिद्वार वाली साइट है वो है hwr.bhil.com, ठीक है। अगर आप इस साइट पे जाते हो इस यहाँ पे, ये चीज आप अपने में मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह का जो पेज है आपके पास खुल करके आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह का जो पेज है आपके पास खुल करके आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहला ट्रेड वाला जो है इसमें आपको जाना है। ये सर्कुलर है आपका, आपको कैसे किस तरह से अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, फिर सेकेंड पार्ट जो है आपको अपने फोटोज और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद फिर इस तरह से आपको सारी चीजें करनी है। तो पार्ट वन हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जब मैंने ये पार्ट वन वाला खोला तो देखिए, ये इस तरह का फॉर्म आपको खुल करके आ जाएगा, आपको इसमें फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आपका ऑप्शन, उसमें आपका नाम जो है उसे भरना है, आपके हाई स्कूल यानी 10वीं का जो प्रमाण पत्र रहेगा उसमें जैसा लिखा हुआ बिल्कुल उस हिसाब से भरना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ है ना, जो रूल के हिसाब से था, एज के हिसाब से था, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एससी के लिए 27, जनरल के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, और इस तरह का जो भी एज रिलैक्स एज पे था आपको उस तरह से देख करके आपको यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए आपका फॉर्म। उसके बाद आपको अपने पापा का नाम यानी फादर्स नेम, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, आप अपना कैटेगरी चुनेंगे यहाँ पे, जनरल एससी एसटी, रिलीजन धर्म, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है अनमैरिड है, आपको ये फिल करना है। यहाँ पे देखिए, रिलीजन में आपका बहुत सारा ऑप्शन आया, आप कुछ भी ऑप्शन चुन सकते हैं, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो, मैरिड या अनमैरिड में। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में जनरल है, ओबीसी एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, नेशनलिटी आप भारतीय, ऑफकोर्स भारतीय, इसमें यस ही रहने देना है आपको। आप हैंडीकैप्ड हो अगर हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, डिसेबिलिटी ऑफ परसेंटेज कितना है आपका, अगर नहीं हो तो ये यहाँ पे नहीं कर देना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो फिल करना है, आपका एड्रेस लाइन वन जो है इसमें करना है, आप दोनों बॉक्स में कर सकते हो, आपका टाउन विलेज शहर जो भी है, जिला क्या है आपका, स्टेट कौन सा है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पिन कोड उस जगह का क्या है, उसको उसे बिलोंग कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपको फिल करना है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप कौन से बोर्ड से आपने आईटीआई दिया है उसे फिल करना है, कौन सा ट्रेड है, आईटीआई पासिंग ईयर आपका कौन सा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद इस तरह से कौन से संस्थान से आपने, किस इंस्टीट्यूट से आईटीआई पास किया है उसे भरना है, यहाँ पे वहां का एड्रेस लाइन करना है जहाँ पर भी आपने किया है। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर,
या फिर कोई भी फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है आपको करना है। उसके बाद आप अगर उत्तराखंड के बिलोंग करते हो तो यस, और नहीं करते हो तो नो रहने देना है। उसके बाद इसे करने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा है आपको इसको यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देना। आपका जो पार्ट वन हो जाएगा, मैंने बताया था सेकेंड पार्ट में आपको अपने फोटोज यानी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जो ये फॉर्म जो है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चीज के लिए आप कैपेबल हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साइट से जा करके। तो होप फ्रेंड्स आपका जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से ही चल रहा हो, आप सारे फॉर्म्स के लिए रेडी हो। तो आप हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।